राजस्थान की सत्ता में बीजेपी ने 5 साल के बाद एक बार फिर से वापसी की है। सूबे की 199 विधानसभा सीटों में से बीजेपी ने 115 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया है और अब बारी सरकार बनाने की है। बीजेपी ने इस बार किसी को भी मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाकर चुनाव नहीं लड़ा था, इसलिए अब ये सवाल काफी अहम हो गया है कि आखिरकार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन विराजमान होगा, जिसे लेकर तमाम नामों पर चर्चाएं तेज हैं। राजस्थान की सत्ता के सिंहासन यानी मुख्यमंत्री बनने के लिए प्रेशर पॉलिटिक्स का दाव भी चलाए जाने लगा है। चुनावी नतीजे के दूसरे दिन सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जयपुर में अपने समर्थक 40 विधायकों को जुटा कर दिल्ली को सियासी संदेश दे दिया है कि राजस्थान में सियासत की असली महारानी वो ही है। खास बात तो ये है कि वसुंधरा राजे की प्रेशर पॉलिटिक्स तब शुरू हुई जब बीजेपी के केंद्र नेतृत्व ने राजस्थान के कुछ नेताओं को दिल्ली बुलाया। बीजेपी के टिकट पर जीत के आए 115 विधायकों में से करीब 40 बीजेपी विधायक सोमवार को वसुंधरा राजे से मुलाकात करने देर शाम सिविल लाइन स्थित उनके आवास पहुंचे थे। पूर्व सीएम से मिलने वाले पहुंचे विधायकों में ज्यादातर ने वसुंधरा को एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने की मांग उठाई। बीजेपी विधायक बहादुर सिंह कोहली ने कहा कि वसुंधरा राजे को सीएम बनना चाहिए, तो जहाजपुर से विधायक बने गोपीचंद मीना ने कहा कि लोग वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। राजस्थान की 2 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी वसुंधरा राजे ने जिस तरह से अपने समर्थक बीजेपी विधायकों को सोमवार को जुटाया है और सीएम बनने की विधायकों से बात उठाई है, उसे सीएम पद के लिए प्रेशर पॉलिटिक्स की तरह देखा जा रहा है। बीजेपी ने किसी भी नेता को सीएम का चेहरा घोषित नहीं किया था, लेकिन वसुंधरा राजे अपने 40 विधायकों को टिकट दिलाने में कामयाब हो गई थी, जिनमें से करीब 28 उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। इसके अलावा बीजेपी से उनके जिन समर्थकों को टिकट नहीं मिला उनमें से कुछ बागी बनकर चुनाव लड़े थे और जीत कर विधायक बने हैं। इस तरह वसुंधरा राजे के करीब 3 दर्जन विधायक इस बार बनकर आए हैं। आपको बता दें कि पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजे 2003 से 2008 और 2013 से 2018 तक 2 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। 2018 में भाजपा की हार और पार्टी के भीतर बदले हालात के बाद ऐसा माने जाना लगा था कि राजे को किनारा किया गया है, लेकिन पहले के चुनावों में वह मुख्यमंत्री का चेहरा थी। लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में पार्टी ने मुख्यमंत्री पद के चेहरे की घोषणा नहीं की और पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल को आगे कर चुनाव लड़ा। अब 115 सीटों पर जीत के साथ भाजपा स्पष्ट बहुमत प्राप्त कर चुकी है और राजे के समर्थक उम्मीद कर रहे हैं कि पार्टी उन्हें तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने का मौका देगी।